तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट चैप्टर का चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ए ग्रुप। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। एचसीआईडी बेस्ड है, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास है उसके बारे में देखेंगे हम। पीसी अराउंड अस, जब हम अपने पास आसपास देखते हैं जैसे हमें क्या क्या दिखाई देता है, एक चेयर, ब्लॉक्स, इसमें एग्जांपल लिए हैं, ठीक है, ब्लॉक कार्ड, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट। ऑल दिस ऑब्जेक्ट हैविंग ए डिफरेंट शेप, कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी शेप अलग होंगे एंड कलर अलग होंगे और यूजेस अलग होंगे। ठीक है, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। आप अपने आसपास देखिए और ऐसे ऑब्जेक्ट को ढूंढिए जो राउंड शेप के हैं। ठीक है, अब जैसे हमने अवर एग्जाम्पल लिस्टेड में देखे हैं, वे इंक्लूडेड रबर बॉल, फुटबॉल एंड ग्लास मार्बल। इफ वी इंक्लूडेड दैट आर नियरली, और अगर हम इसके अलावा देखें नियरली राउंड, our listed could also included object like apple, orange and earthen pitcher, घाघर। ये सारे हमारे कैसे होते हैं, राउंड शेप में होते हैं। ठीक है, let us say we wish to make a group of object that are made of plastic bucket। ऐसे ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है जो हमारे प्लास्टिक से बनते हैं, जैसे हमारा बकेट हो गया, लंच बॉक्स हो गया, टॉयज हो गया, वाटर हो गया, कंटेनर कंटेनर्स हो गए, पाइप हो गए। ठीक है, वाटर कंटेनर, सॉरी यहाँ पे वाटर कंटेनर हो गए, ठीक है, पूरा पाइप्स हो गए एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ। वे फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। जितने भी हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक या एक से ज्यादा मटेरियल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, दिस मटेरियल में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, म्यूट और सॉइल। ये मटेरियल हमारा ग्लास भी हो सकता है, मेटल भी हो सकती है, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, म्यूट और सॉइल, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट के एग्जांपल यहाँ पे हमें दिए भी हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये टेलीफोन हो गया, सॉरी मोबाइल फोन हो गया, इस मोबाइल फोन की जो बॉडी है वो किसकी है, प्लास्टिक की है, इसकी डिस्प्ले किसकी है, ग्लास की, और इसके अंदर जो प्लेट है वो किसकी है, मेटल की। ठीक है, अब ये भी मेटल का है, ठीक है, ये ग्लास का है, ऐसे अलग अलग चीज है। ठीक है, ये मेटल का है, इसके आगे अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। अलग अलग ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे जो एक ही मटेरियल से बनते हैं। ठीक है, ये टेबल आप बना लीजिएगा, अब ये हमारे वन साइड में हमने मटेरियल लिए और दूसरी साइड हमने ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दिस मटेरियल। फर्स्ट मटेरियल हमने लिया है वुड, तो वुड से क्या क्या बनता है वो देखेंगे। वुड से हमारी चेयर बनती है, टेबल बनती है, फ्लोर बनते हैं, ब्लॉक कार्ड बनते हैं, ठीक है, एंड व्हील्स बनते हैं। पेपर से क्या क्या बनता है, बुक्स बनती है, नोटबुक बनती है, पेपर, टॉयज और क्लैंडर। लेदर से हमारी वॉलेट्स बनते हैं, जैकेट, बेल्ट, पर्स और इसके अलावा भी होते हैं। प्लास्टिक से क्या क्या बनता है, बकेट बनती है, टॉयज बनते हैं, लंच बॉक्स, टूथब्रश,
कॉटन से क्या क्या बनते हैं, ड्रेस, मास्क, कॉटन शूज, सॉक्स भी बनते हैं, ठीक है, और क्लॉथ्स भी बनते हैं। इसके अलावा आयरन से हमारी स्पून बनती है, नाइफ की स्पेलिंग गलत है, बॉक्स भी बनती है, नाइफ की स्पेलिंग होगी बॉक्स, जो सेकंड टेबल है उसमें बोला गया है ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। अब इसमें क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अलग अलग मटेरियल से मिलते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्लेट, थाली भी बोलते हैं। प्लेट हमारी किसकी होती है, स्टील की भी होती है, ग्लास की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, और एनी अदर इसके अलावा भी, ठीक है। पैन हमारा किसका होता है, प्लास्टिक और मेटल से मिलकर बनता है, प्लास्टिक का भी होता है पैन और मेटल का भी होता है। और दोनों का भी मिलकर बनता है। टेबल हमारी किसकी होती है, मेटल की होती है, ग्लास की होती है, इसके अलावा वुड की भी होती है। स्पून हमारी किसकी होती है, मेटल की, वुड की, प्लास्टिक की, ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सबसे पहले बोले, सबसे पहले है ए मटेरियल, ए प्रॉपर्टीज इज एनीथिंग दैट डिस्क्राइब ए मटेरियल और सब्सटेंस, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल। ऐसी कोई भी चीज जो हम डिस्क्राइब या बता रहे हैं उसके बारे में, वो क्या है, हमारा मटेरियल है या सब्सटेंस है, ठीक है। अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसकी हार्डनेस होती है, वो कितना हार्ड है, ठीक है। फिर है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, ये पढ़ेंगे। फिर है फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, ठीक है। और सिंक इन वाटर, वो पानी में तैर रहा है या सिंक डूब रहा है। सेकेंड है ट्रांसपेरेंसी, वो पारदर्शी है या नहीं है, ठीक है। चारों हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। आगे चलते हैं, जो फर्स्ट थी हमारी हार्डनेस, तो इसमें बढ़ाएंगे, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड, आप अलग अलग मटेरियल को अपने हैंड से प्रेस करो या दबाओ, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस, कैसे होते हैं हार्ड होके दबाने में, वाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस, दूसरों के कंपैरिजन में, दूसरे मटेरियल के कंपैरिजन, एक मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच पे देखें, आप मेटल की करो और उसे स्क्रैच या किसने भी हाथों से कोशिश करो, द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम पीस ऑफ स्टोन, ए नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट, यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल, इन सबको जो एग्जांपल में स्क्रैच करने की चॉक करो, चॉक को आप आराम से स्क्रैच कर लोगे, नेल को भी स्क्रैच कर लोगे, कैंडल को भी कर लोगे, ठीक है। वुड को थोड़ा मुश्किल है, वुड को भी कर लोगे, तो इसमें बोला है यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल व्हाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजीली, कुछ मटेरियल है जो आप आराम से स्क्रैच कर लोगे और कुछ आप नहीं कर पाओगे या बहुत मुश्किल से कर पाओगे, ठीक है। तो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस और स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, ऐसे मटेरियल जिसको हम आराम से कंप्रेस या दबा सकें या स्क्रैच कर सके वो होते होते हमारे सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है। सेकंड है हमारा सम अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, ऐसे जिसमें हम कंप्रेस करने में डिफिकल्ट या ज्यादा ताकत लगानी, हम बोलते हैं आर कॉल्ड हार्ड, ठीक है। अब हार्ड केस में एग्जांपल और एग्जांपल कॉटन, स्पंज,
इस सॉफ्ट जो कॉटन हो गई, इसमें जो क्या हमारे सॉफ्ट में एग्जांपल हो गए मोबाइल, आयरन हमारा किसमें हो गया हार्ट में, आयरन गोल्ड गोल्ड ये भी हार्ट में आया, सोल्यूबल ऑल इनसोल्यूबल क्या होता है कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज सुगर साल्ट स्टोन पाउडर सैंड एंड सोडस्ट बेकिंग ग्लासेस और बीकर कलेक्ट करनी है, सॉलिड को कलेक्ट करके रखना सुगर होगी, साल्ट हो गया, चौक हो गया, सैंड होगी, सोडस्ट होगी, अब उसे एक ग्लास या बीकर में करना है अलग अलग, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी में आपके लिए, जब आप फिल ईच ओपन डैम अबाउट टू थर्ड विद वाटर, जितना आप उसमें सुगर या साल्ट या चौक डालोगे उसका दो या तीन गुना हमें वाटर लेना, एड इज सम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पूनफुल ऑफ सुगर जो फर्स्ट ग्लास, पहले ग्लास में हमने सुगर डाली है, सेकंड ग्लास में हम साल्ट डालेंगे एंड सिमिलरली एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस, ये अदर ग्लास, फिर ग्लास में भी ऐसे डाल स्टिल द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद ए स्पून, वेट फॉर ए फ्यू मिनट, ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सब्सटेंस एडेड टू योर वाटर, इसमें क्या होगा ये देखो, the substance have completely disappear or dissolve in water, hard cold soluble substance, और उसमें जो भी examples हैं उसमें जो बिल्कुल disappear या गायब हो गए या मिल गए पानी में उसको हम बोलते हैं soluble substance, ठीक है, जो मिल जाते हैं, जैसे sugar हमारी soluble substance होगी, sand भी, वो sorry salt भी हमारा soluble substance होगी, अब दूसरा है हमारा the substance have to not mix with water and do not disappear even after with stir. Stir का मतलब मिलाने की कोशिश करना. For the long time that are called insoluble substance. Soluble substance हमारी sand आ जाएगी, ठीक है, soil आ जाएगी, तो पानी में नहीं, ठीक है, ये दो definition हो गई आपकी soluble substance और insoluble substance. इसके बाद है table बना लीजिएगा mixing different solids material in a water, अलग अलग solid material को हम क्या mix करेंगे और बताएंगे कौन सा mix होगा substance, यहाँ पर substance नहीं और disappear in water does not disappear, तो salt है वो हमारे disappear हो जाएगा water में, हो जाएगा, ठीक है, sugar yes ये भी हो जाएगा, sand नहीं होगी, chalk नहीं होगी, sawdust नहीं होगी, ठीक है, जो डिसअपियर हो जाएंगे वाटर में वो क्या है सोल्युबल सब्सटेंस है सुगर और साल्ट, और जो नहीं होंगे वो इनसोल्युबल सब्सटेंस, सेकंड टेबल है हमारी सोल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड इन वाटर, अब वाटर में हमें कुछ पहले हमने सॉलिड मिलाए थे, अब इसके अलावा हमें कौन से मिलाने, कुछ लिक्विड को मिलाने, लिक्विड सब्सटेंस को वाटर में मिला के देखना है वो मिक्स होंगे सोल्युबल है या नहीं, तो फर्स्ट हमने लिया विनेगर, विनेगर को अगर हम वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा मिक्स वेल, जो है विनेगर वाटर में पूरे तरीके से मिल जाएगा, लेमन इसको मिक्स करेंगे वो भी मिल जाएगा, मस्टर्ड ऑयल को मिक्स करने की कोशिश करेंगे वाटर में नहीं मिलेगा, कोकोनट ऑयल नहीं मिलेगा, केरोसिन नहीं मिलेगा, तो जो वाटर में से हम क्या बोलते हैं
इनसोल्युबल सब्सटेंस, और जो मिल जाएगा उसे सोल्युबल सब्सटेंस। या अब इसमें सब्सटेंस तो है नहीं, सोल्युबल लिक्विड होगा और इनसोल्युबल लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट बी फ्लोट और सिंक सिंक इन वाटर। अब इसमें देखेंगे कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं और यहाँ पर पानी के अंदर डूब जाते हैं। तो एग्जांपल में यहाँ पे हमें दिया भी है, जैसे यहाँ पे हमारी जो कीज हो गई, ठीक है, कॉइन्स हो गए और ये दिया है। तो ये हमारे क्या है, पानी में सिंक हो गए, और जो फ्लोट कर रहे हैं जैसे हमारी वेजिटेबल्स हो गई, ये सब फ्लोट कर रही पानी के ऊपर। तो द ऑब्जेक्ट दैट विल फ्लोट इन वाटर हैज लो डेंसिटी, जो पानी के ऊपर तैर रही है उनकी क्या डेंसिटी लो है, ठीक है। डेंसिटी का हिंदी होती है द्रव्यमान। देन वाटर, वाटर से इनकी डेंसिटी क्या है, कम है। जितने भी ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं उनकी वाटर के कंपेरिजन में डेंसिटी कम है। If the material has a higher density than water, अगर किसी material की density water से ज़्यादा होती है, तो it is sink into the water, तो वो क्या पानी में गिर जाता है, पानी में डूब जाता है। That is due to an activity to understand, ये activity यहाँ पे बताई थी आपको, अलग अलग object ले लेते हो पानी में डाल के लिए, यहाँ पे दिया है example। Density is the measurement of how tightly a material is packed together, density किसकी ज्यादा होगी, जो tightly packed होगा उसकी density ज्यादा होगी, जिसके particle पास पास में होंगे उसकी density ज्यादा होगी। अब जो matter होते हैं वो कितने type के होते हैं, इसके अलावा मैं बता रहा हूँ solid, liquid और gas। matter तीन type के होते हैं, solid के particle कैसे होंगे, पास पास में होंगे ज्यादा, ये solid के particle होंगे। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब वाटर के पार्टिकल जो लिक्विड पार्टिकल कैसे होंगे, कंपेरिजन में डेंसिटी सॉलिड के कंपेरिजन में कम होगी। और गैस के पार्टिकल कैसे होंगे, गैस के पार्टिकल और दूर, ठीक है, ऐसा नहीं इतने पार्टिकल होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ठीक है, पारदर्शी से पढ़ते हैं। द मेजर ऑफ विजिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस थ्रू ए कंटेन ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज जिसके हम ये आर पार देख सकते हैं। द मेजर ऑफ विजिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस through a contained object, transparency का मतलब यही है, जो substance or material through which other object can be seen are called transparent object। ऐसे substance या ऐसे material जिसको हम किसी और object को देख सके, ठीक है, ऐसा material या ऐसा substance जिसकी मदद से और object पारदर्शी आर पार देख सके, उसी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस मटेरियल को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल में हमने लिया ग्लास, बटर, पेपर। अब इसमें बोला है द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन सी बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, दिखाई देगा आर पार, ठीक है। अब ट्रांसलूसेंट क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के आसपास आपको जैसे दिखाई दे रहा है, जैसे हमने एग्जांपल लिया बटर पेपर, लेकिन प्रॉपरली क्लियरली दिखाई नहीं देगा, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ये दिया है, इसमें देखिए प्रॉपरली आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, और इसमें आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, और इसमें तो बिल्कुल आर पार दिखाई नहीं दे रहा, तो ये क्या है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है और ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है,
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस चैप्टर के बारे में देखेंगे। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।